सरकारें आम जनता को घोषणाओं के कई झुंझुने थमाती है और कई विकास के झूठे दावे करती है, लेकिन जब यही दावे देश की सुरक्षा में अपने प्राण निछावर करने वाले शहीदों के परिवार के साथ होने लगे तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। कुछ ऐसा ही वाक्य सामने आया जब वाली विधानसभा के अंतर्गत पड़ती मेरा पंचायत के भूसकवाड़ा गांव के शहीद लखविंदर सिंह के परिवार के साथ। हवलदार लखविंदर सिंह 11 मार्च 2014 को छत्तीसगढ़ के सुकना जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए हमले के दौरान शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के बाद प्रदेश की वीरभद्र सरकार ने शहीद के परिवार के घर तक जीप योग मार्ग शहीद के नाम से गेट का निर्माण, स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखना, 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की बात कही थी, लेकिन आज तक 3.5 वर्ष होने के बाद भी सरकार अपने ही द्वारा की गई किसी एक भी घोषणा को पूरा नहीं कर पाई है। इससे शहीद के परिवार में सरकार के प्रति गहरा रोष है। शहीद की पत्नी ललिता का कहना है कि सरकार द्वारा घोषित 4 घोषणाओं में से अभी तक 1 घोषणा भी पूरी नहीं की गई। ऐसा करते करते शहीद की पत्नी के आंखों में आंसू झलक आए और शहीद के पिता हरनाम सिंह का कहना है कि वीरभद्र सरकार शहीदों को सम्मान देने में काफी पीछे है। उनका कहना है कि माँ बाप ने तो अपना पुत्र खोया है, लेकिन शायद सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र को कई बार पत्राचार करने के बाद आज तक चारों के चारों वादे आज तक पूरे नहीं हो सके। मेरे पति 11 मार्च 2014 को सुकमा जिले में शहीद हुए थे। सरकार ने हमें बहुत वायदे किए। एक तो मेन रोड से घर तक सड़क बनना, दूसरा मेरा स्कूल उनके नाम पर बनना, मेन रोड का गेट उनके नाम पर बनना और कुछ पैसों की बात। पैसों की कितने पैसे की बात, कितने पैसे देने की बात की थी उन्होंने सरकार ने? 5 लाख। अच्छा, सहायता राशि। अच्छा। हाँ जी, मेरा शुभ नाम दिलवर सिंह हीरा है। ठीक है। जो 11 मार्च 2014 को शहीद हुए थे वो मेरे भाई थे, बड़े भाई थे। अच्छा। सरकार से हमें सिर्फ यही कहना कि सरकार ने हमारे साथ, जब वीरभद्र जी आए थे बरमाड़ में आए थे, घर में आने के बजाय परिवार को उन्होंने बरमाड़ में रोड पे बुलाया था, तो वहाँ पे भी हम लोग मिल के आए थे। उस समय उन्होंने हमारे से 4 जो मेन वायदे थे, जैसे शहीद के नाम पे गेट का निर्माण करना, मेन रोड से शहीद के घर तक रास्ता बनाना, हाई स्कूल मैरा का नाम शहीद लखवीर सिंह के नाम पे रखना और परिवार को तुरंत राहत के तौर पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के वायदे किए थे। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है कि सरकार ने आज तक कोई भी ऐसा वायदा पूरा नहीं किया है। बाकी इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि अभी तुरंत में 26 अप्रैल 2017 को सुकमा में ही 25 लोग शहीद हुए थे, जिसमें 2 हिमाचल से भी थे। उन परिवारों को तो सरकार ने तुरंत राहत के तौर पे 20-20 लाख रुपए प्रदान किए हैं, मगर हमारे परिवार के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री कार्यालय तक लिखने के बावजूद, वीरभद्र जी की सरकार को लिखने के बावजूद, जिलाधिकारी से मिलने के बावजूद, आज तक चारों को चारों वादे जो हैं उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से, बाहर हिमाचल सरकार से कम शहीदों के साथ तो इस तरह का भेदभाव ना करें। जो उनके परिवारों को वायदे किए जाते हैं उनको पूरा किया जाए, और अभी जो भी पुरानी डिमांड्स हैं हमारी उनको तुरंत पूरा किया जाए। जब वाली से मीडिया पर्सन दौलत चौहान, न्यूज़ 18।